रख रहा था सामान वगैरह, जस्ट बिकॉज कि अभी वो होने वाला एमयू में जो पिछले 5-10 सालों में नहीं हुआ कि सारे स्टूडेंट्स को जो अपने हॉस्टल रूम से वैकेट करने हैं, पूरा हॉल खाली हो जाना चाहिए 15 तारीख तक। कबाड़ी में बिकेंगे, पता नहीं किसका है, सालों साल से पड़े हुए। खैर मैं कहा शेयर कर देता हूँ, ऐसा दस्तावेज बिखरे हुए थे मेरे सामने, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह ये देखो ऐसा दिखता था। मैं हमने लगाया फर्स्ट वाला गेट, फर्स्ट फर्स्ट सिक्स सेकंड सिक्स, और फिर इधर से इम्प्रूव होता गया 10th तक। 10th में मेरे थे, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, काइंड ऑफ रिसर्च पेपर जो की पब्लिश हुआ था हॉल मैगजीन में, वो था। इधर है मेरा नाम बालजी टेलीफिल्म्स, जो वो प्रोडक्शन हाउस है उसमें मैंने ऑडिशन दिया हुआ था, उसका सिलेक्शन का लेटर है। 2 दिन बाद तो एकदम खत्म ना, आज लास्ट है। हम आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है? अलग ही मूड में, एक तो कर चुका हूँ वलीमा, उसका व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उतना वक्त नहीं मिला मुझे, पैसे भी डूब गए, ये बहुत गलत किया एमयू वालों ने। शुरू कीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब मदीन, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक इन विद ब्रांड न्यू व्लॉग। इतने दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप व्लॉग्स जो है काफी लेट लेट में डाल लो, तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना व्लॉग्स जल्दी जल्दी लाने की कोशिश की जाए। तो ये तीसरा व्लॉग है जो मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले 2 व्लॉग्स मैंने निकाल दिए, एक हफ्ते में 2 व्लॉग्स आ गए, सोचिए आप, और ये तीसरा भी आने वाला है इंशाल्लाह। एंट्रेंस मेरे सारे खत्म हो गए तो थोड़ा मैं फ्री हुआ, इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह शूट कर पा रहा हूँ। लास्ट एंट्रेंस बचा हुआ जो कि है मेरा 13 तारीख को, उसके बाद सब खत्म। आगे अभी मैं सारे जो है अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा था, बैग वगैरह पैक कर रहा था, सारे रख रहा था सामान वगैरह, जस्ट बिकॉज कि अभी वो होने वाला एमयू में जो पिछले 5-10 सालों में नहीं हुआ था, सिर्फ लॉकडाउन में हुआ था, उसमें भी कम्प्लीटली नहीं हुआ था, बट ये एकदम एक्सट्रीम केस ही हो रहा है कि पूरा का पूरा हॉस्टल जो है वैकेट किया जा रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट वीसी, उनके तरफ से नोटिस आया हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स को जो है अपने हॉस्टल रूम से वैकेट करने हैं, पूरा हॉल खाली हो जाना चाहिए 15 तारीख तक। उसके बाद अगर कोई रुका हुआ मिला हॉस्टल में तो उसके सामान को फेंक दिया जाएगा, उसके अलमीरा या कबर्ड में कुछ भी होगा ऐसा, मतलब अल्टीमेटम है, सामान वगैरह को फेंक दिया जाएगा, यूपी पुलिस की हेल्प ली जाएगी उनको वैकेट करके भगाने के लिए, मतलब एक तरीके से कंप्लीट एक्सोडस हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो ये तर्क इसका क्या दिया जा रहा है कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स जो इतने सालों से हैं एमयू में उनको निकालने के लिए, हालांकि सारी लिस्ट सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स की, कौन से कोर्स में एनरोल्ड है, कब से कब तक उन्होंने कोर्स किया, किसका कोर्स खत्म हो चुका है, कौन ऐसे इतने सालों से फालतू में रह रहा है, सारी लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास है। फिर भी ये काम करना कि सबको एक साथ कम्प्लीटली निकालना, जस्ट बिकॉज कि उसमें से कुछ लोग जो है वो कल्प्रिट्स हैं जो इतने सालों से इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं कब्जा करके, तो ये तो तर्क देना बेवकूफ़ी वाली बात है। बाकी दूसरा तर्क भी दिया जा रहा है कि रेनोवेशन वगैरह कराना है, तो रेनोवेशन कराने के लिए सारे हॉल्स को एक साथ वैकेट करने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बाहर के भी हैं, फॉरेन के भी हैं, यमन के हैं, मेरी क्लासमेट भी थी यमन की, और भी हैं थाईलैंड के हैं, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, ये सब के स्टूडेंट्स, वो इतना सारा सामान लेके कैसे अचानक से यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, फिर अगर अलीगढ़ में रेंट वगैरह पे लेंगे तो उनके लिए महंगा पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मसले मसाइल। कोई अगर स्टूडेंट सालों से यहाँ पे रह रहा है जिसका बैचलर्स भी मास्टर्स भी पीएचडी भी यहीं एमयू से हो रहा है, तो उसके पास आप सोचिए कितना सारा सामान इकट्ठा होगा, क्योंकि हॉस्टल में सारी कन्वीनियंसेस मिलती नहीं है, जो चीज़ आपके लिए फिजिबल हो, जो आपके कामों को आसान बनाए, सारे होती नहीं हॉस्टल में, तो लोग अलग से खरीदते हैं, कबर्ड हो गया, कूलर हो गया, वो भी चीज़ें, तो वो सब लेके कहाँ से कहाँ अचानक से चला जाएगा वो, ये सब सोचने वाली बात है। मैं सोचा इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि बाहर वालों को भी पता चले हो क्या रहे एमयू में। तो ठीक है, कपड़े वगैरह मैं पैक कर रहा था, मेरा तो एक्सटेंशन पे चल रहा था, 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है मास्टर्स होने के बाद पीएचडी का, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो हैं ही हम, रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह तो मेरा हो गया, अगर हो जाता है पीएचडी में तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता है तो हम क्या भैया, हम तो झोला उठा कर कहीं भी चल देंगे, ऐसी वाली बात है, मुश्किल होता है बट चल देंगे, क्या कर सकते हैं। एक ट्रॉली है, इसमें सामान रखना है, इसमें मेरे ठंड के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, स्वेटर जैकेट्स वगैरह, कुछ शर्ट्स अभी मैंने मतलब तय कर लिए हैं, इनको भी रखना है इसमें। बाकी एक और ट्रॉली है जय भी, इसमें भी डाल देंगे। जय रहा अपना कबर्ड, कबर्ड में इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कबर्ड में जिसको मैं ना दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ कपड़े ही हैं, कोई महंगी महंगी चीज़ नहीं मेरे पास, कोई मेरे पास कीमती खजाना नहीं है कि चोरी डाका होने का डर है मुझे, तो ये सब कुछ थोड़े बहुत कपड़े हैं बस, इतना कोई सामान इकट्ठा नहीं हो। बाकी ये नीचे जो बेडशीट ब्लैंकेट ठंड के लिए जो यूज़ होते हैं वो हैं, ऊपर मेरे डब्बे हैं, ये मेरे स्नीकर्स वगैरह के डब्बे हैं, और वो हेलमेट का मेरे डब्बा पड़ा है, चेन क्लीनर पड़ा है, यही सब है। बाकी कुछ चीज़ें ये टेबल पे हैं, इनको भी उठा कर डाल दूंगा अंदर, जितनी चीज़ें हैं मुझे जो रखनी है। असली तंबूरा तो इसका बजेगा जिसने ये सारी सामान छोड़े हुए हैं, सारे सामान जो है कबाड़ी में बिकेंगे, पता नहीं किसका है, सालों साल से पड़े हुए हैं, किसी का नहीं है, पता नहीं लोग चले जाते हैं और अपना कबाड़ा छोड़ कर चले जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। देखिए देखिए इधर भी है, ये सड़ चुका है, इसमें पानी नहीं गिरता है, ये सड़ चुका है, ये आएंगे उठा के फेंके वेंगे, क्या करें। तो अपना एक ट्रॉली जो है पूरी की पूरी तरीके से पैक हो चुकी है, दूसरी वाली खाली है, इस पर भी अभी जा रहे हैं इस पर हमला करने। ये अपने पास कुछ बुक्स है जिनको हम इस बैग में रख देंगे, और वैसे तो कोर्स की मेरे पास है मुश्किल से एक ये होगा, हैंड आउट नहीं है, फोटोकॉपी की हुई है बुक की,
जिसको मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं इस्लामिक बुक्स ये सब जो है वो पढ़ चुका हूँ। ये मुझे किसी ने जबरदस्ती गिफ्ट कर दी थी, मैं ले नहीं रहा था, मुझे पता था मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वक्त नहीं मिलता है। और बाकी ये सब तो पढ़ी हुई है। ये देखिए हॉल टिकट, पहले मेरे को हॉल टिकट ऐसे रहता था, पोस्ट ऑफिस में आ जाता था, वहाँ पे जाके साइन करानी पड़ती थी, 20-25 सिग्नेचर कराते कराते हमारी आधी उम्र निकल जाती थी दौड़ दौड़ के। अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन वाला ऐसे रहता था, कोविड के बाद से चेंज हो गया। ये देखिए जब मैं आया था 2018-19 उस वक्त ऐसे हॉल टिकट रहते थे। अब बात का तो मेरे पास होगा नहीं, ऑनलाइन फिर ऐसे निकलता था इस टाइप का। आई शो यू सम ऑफ माई अचीवमेंट्स। ये है उस वक्त का यूनिवर्सिटी मेरिट फाइनेंशियल अवार्ड्स, ये अपने क्लास में मैंने टॉप किया हुआ था। तो हर क्लास का टॉपर्स को वो मतलब 225 रुपये पर मंथ ऐसे स्कॉलरशिप मिलती है। सो यू कैन सी माई नेम हियर, मोहम्मद आकिब नदीम। इसमें से जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। मैं उस वक्त था कब, ये जो मेरा है ये BA फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो उस वक्त का मैं टॉपर था अपने क्लास में। बाकी सब MA BA फर्स्ट ईयर अरबिक, ये मेरा लिंग्विस्टिक से था। सो ये है एक अचीवमेंट मेरी, और दिखाता हूँ आपको स्कॉलरशिप्स के मामले में। फिर रॉयल लिटरेरी सोसाइटी या लिटरेचर में जब मैं था, तो उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेरा भी नाम था, हालांकि उतना ज़्यादा मैं अटेंड वगैरह नहीं किया, बट इसमें था मैं। ये दायमी अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ डल्लास फोर्ट, मतलब इसका मुझे याद भी नहीं मैंने इसका कब भर दिया था और याद भी क्या था। ये भी है और भी हैं, एक मेरे पास है थिएटर का, वो एक साल का, उसका मैंने सर्टिफिकेट लिया ही नहीं है। ड्रामा क्लब जो मैंने क्या हुआ था AMU में, थिएटर का मेरे पास सर्टिफिकेट, उस पर कोटा भी मिलता है अगर कोई रहता है। मैंने बिना कोटा का ही मेरा एडमिशन हो गया था मास्टर्स में, लोग लेते हैं कोटा वगैरह, मेरा कुछ नहीं कोटा वगैरह नहीं लगा था, हो गया था। एज ए प्रूफ रीडर मैंने इंटर्नशिप की थी उसकी है वुडपेकर हिल्स में। ये तो मैंने जो सहरा पूरा इवेंट कवर किया था उसके लिए प्लेसमेंट फेयर जो था, जॉब प्लेसमेंट फेयर वो है। फिर ये मैंने एक्ट किया हुआ था सरोजनी नायडू हॉल में, उसका है, मोनो एक्टिंग में सेकंड प्राइज मिला था। इसी मोनो एक्ट को मैंने थिएटर मतलब वो स्टेज पे किया था, उसके लिए फर्स्ट प्राइज मिला था, यहाँ पर सेकंड प्राइज मिल गया। ये मेरे बचपन के हैं सब, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह, ये देखो ऐसा दिखता था मैं 2004 और 5 में, छोटू था। सिक्स रैंक, अपने नंबर हमेशा अच्छे थे। ये अपन का सेकंड का, चलो सेकंड में ऐसा दिखने लगा था मैं। इसमें देखो मेरा रैंक 5th, 8th, 11th, 7th, 4th, ठीक है, फिर भी ठीक ही है। 40-50 लोगों के स्ट्रेंथ में इतना था। बाद में उसके बाद से हमने लगाया फर्स्ट वाला गियर, फर्स्ट, सिक्स, सेकंड, सिक्स, उसके बाद ऐसे ही है सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, या। और फिर इधर से इम्प्रूव होता गया 10th तक। 10th में मेरे थे 82% और 12th में थे 70%। ऐसा लग रहा है मैं पोर्टफोलियो दे रहा हूँ जॉब के लिए। खैर मैं कहाँ शेयर कर देता हूँ, ये सब दस्तावेज बिखरे हुए थे मेरे सामने। तो एंड मोर लास्ट थिंग जिसको मैं भूल गया, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, काइंड ऑफ रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश हुआ था हॉल मैगजीन में, वो था ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 द रोल ऑफ मल्टीमीडिया। ये मोहम्मद आकिब नदीम, पेज नंबर 59 पे पूरा मेरा आर्टिकल है, आई विल शो इट टू यू। सी, इधर है मेरा नाम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फलाना ढिमकाना, तो देख सकते हैं ये पूरा मेरा। इसमें मैंने रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाई थी, चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये वो, इसमें सब। तो ये भी है, ये वाला तो मेरे AMU से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शो इट टू यू। बालाजी टेलीफिल्म्स जो वो प्रोडक्शन हाउस है, उसमें मैंने ऑडिशन दिया हुआ था, उसका उन्हीं का ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने ऑडिशन दिया हुआ था, तो उसका सिलेक्शन का लेटर है। सालों का एक्टिंग कोर्स रहता है, उसके बाद फिर वो प्लेसमेंट्स वगैरह की गारंटी देते हैं कि आपको शॉर्ट फिल्म्स और मूवीज़ में काम मिलना शुरू हो जाएगा, वेब सीरीज़ वगैरह फलाना ढिमकाना। 2017 के वक्त की बात है, उसके बाद मेरा इसी 2017 मेरा AMU में एडमिशन हो जाता है, तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ, तो इसमें नहीं जाता हूँ मैं, पूरा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है फिर मेरा पूरा फील्ड ही। और ये मेरे मास्टर्स का डिसर्टेशन है। अब तो एक कैंटीन भी बंद होने वाली है। ये पैसा शानू भाई, बिस्किट लिया मैंने, ना दही बची ना कोल्ड ड्रिंक बची, सब खत्म। कितना दिन, 2 दिन बस और ना, है नहीं मतलब 2 दिन बाद तो एकदम खत्म ना, आज लास्ट है हम लोगों का तो 2 दिन है। थोड़ी सहूलियत दे दी गई हमें, चलिए ठीक है। काम वगैरह करके सारा सामान वगैरह पैक करके अच्छा खासा गंदा हो चुका था मैं, जाके नहाया, कपड़े वगैरह धोया, फिर गया डाइनिंग हॉल में खाना खा के आया। अभी जोहर की नमाज बाकी, वो पढ़नी है। गया था दही लेने के लिए, मीठी दही, बट कैंटीन भी बंद हो रही है, आज उसका लास्ट डे है और 2 दिन बाद हमारा लास्ट डे रहेगा। बड़ी धूप है। हमने दुबई से मिस्त्री बनाया है, अरे बुलाया है, सॉरी गाइस, गलती हो जाता है थोड़ा बहुत। और ये छेद कर रहा है कूलर में ताकि पानी का वो फ्लो जो है एकदम बरकरार रहे। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ही इज अ PhD कैंडिडेट, ही विल बी PhD रिसर्च स्कॉलर इन फ्यू डेज, एंड ही इज आल्सो अ पार्ट टाइम मिस्त्री। भाई भरपूर टैलेंट है हिंदुस्तान में। दोपहर के वक्त मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, व्लॉग एडिट करते करते ऐसा हो गया, नींद आ गई जोर की और मैं सो गया। फिर कुछ देर पहले साकिब आया था, वो भी वेट कर रहा था सोकर उठूं, उसको खाना खाना था, तो अभी जा रहे हैं, उसको कुछ खाना है,
तो रामघाट रोड पे जाएंगे, उसको डोसा वगैरह खाना है। बाकी एक और ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, इस्लामिक स्टडीज़ का मुझे एंट्रेंस देना था, उसमें आज लिस्ट आई है तो उसमें इनएलिजिबल हूँ मैं देने के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार मास्टर्स हो चुका है। उसमें बोल रहे हैं कि एक बार मास्टर्स हो जाता है दूसरे बार मास्टर्स नहीं कर सकते एमयू से, हालांकि बहुत सारे लोग किए हुए हैं ये चीज़, करते हैं एमयू में, फिर पैसे भी ले लेते हैं लोग फॉर्म का उसी शुरू में उसी वक्त, नहीं ये लोग क्लासीफाई करते हैं कि रिपीटेड मास्टर्स इज़ नॉट अलाउड ऐसा कुछ करके कर देना चाहिए, इनको वार्निंग देनी चाहिए, बट पैसे ले लेते हैं। और मेरे एक दोस्त का था, उसका तो हो भी गया था एडमिशन, सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आ गया था, काउंसलिंग के वक्त पे उसको भगा दिए कि नहीं आपका ऑलरेडी एक बार मास्टर्स हो चुका है। अब ऐसे मैंने एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है चेक की, उसमें कम से कम 8 से 10 लोगों का इनएलिजिबल है, तो मतलब सबसे 825 के करीब का फॉर्म पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज 800 अगर पकड़ोगे 8 × 10 = 80, 8000 रुपये इन लोगों ने ऐसे जब्त कर लिया, और ऐसे पता नहीं कितने अलग अलग फॉर्म्स का ऐसे किए होंगे लोग, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। गाड़ी निकालते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ट्रेजेडी हो गई, दुकान अभी जस्ट तुरंत आई है, तो अभी ये सेटअप वगैरह करेंगे, तो इसी में जाएगा कम से कम आधा से एक घंटा। आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है? ये अलग ही मूड में है, इंटरव्यू लेने के मूड में। पहले हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाएंगे, वड़ा पाव खाने के बाद तब तक ये खुल जाएगा डोसे वाला, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ये रहा मेरा मसाला। तुम्हारा क्या है? महाराजा। तुम्हारा क्या है? चटपटा। देखने में सब सेम है, अंदर से अलग अलग हैं, एक ही भाई हैं। विथ हरी मिर्च एंड लाल वाली चटनी, मतलब ये सूखी चटनी है, ये आँख में गया ना तो भागम भाग वाला सीन हो जाएगा। आजा मेरी ककड़ी, तुझे कैसी पसंद, खाला ककड़ी पे। इसको ऐसे लेने का, इसमें डिप करने का। अभी हम आए थे शेक पीने के लिए, देख सकते हैं आप रामघाट रोड की चहल पहल। ये एरिया ना पूरा का पूरा कैंपस एकदम अलग है, इधर लगता है अलग दुनिया है, कैंपस लगती है अलग दुनिया है। सो हियर्स आवर मैंगो शेक शेख। सारा काम था हम ख़त्म करके अभी आए थे अफजाल के घर पे, अब जा रहे वापस, मगरिब का वक्त हो गया है तो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हॉस्टल चला जाएंगे। सो गाइस, टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो है वलीमा 2.0 दे दूं, वलीमा 1.0 हो चुका है, अलग अलग फेसेस में देना पड़ा क्योंकि जो दोस्त है ना वो सारे एक साथ एक वक्त पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। अभी आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कल वाइवा वगैरह है पीएचडी का, तो इसकी वजह से कुछ लोग बच जा रहे हैं, बाकी जितने लोग आज हो पा रहे हैं ऐसे करके मैं वलीमा दे रहा हूँ, फिर दिल्ली में, अलीगढ़ में और अपने होम टाउन में। तो एक तो कर चुका हूँ वलीमा, उसका व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उतना वक्त नहीं मिला मुझे, बहुत सारे लोगों को ये भी दबाया आपने वलीमा वगैरह नहीं किया, तो मैंने किया छोटे छोटे लेवल पे जैसे हो सकता है। अभी यहाँ के दोस्तों को दे देता हूँ अलीगढ़ वाले, फिर एक बार और अलीगढ़ में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग बच जा रहे हैं। ये भी कल चला जाएगा, मिनहाज परसों, अफजाल चला जाएगा, नर्सो साकिब चला जाएगा, ये जो अभी फिलहाल जाएगा किचन में छिप रहा है। ओनली आई विल बी लेफ्ट, सिर्फ मैं बचूंगा अकेले। सभी लोग आ चुके हैं, अपने पास है मलाई टिक्का चिकन नारा, ये क्या था कढ़ाई चिकन, वो भी कढ़ाई चिकन है सेम। शुरू कीजिए भाई, नौश फरमाइए। अरे उधर से ऐसे लाइन से आएगा, ठीक है। ए तुम किनारे क्यों बैठे हो? अच्छा मिनाज को कॉल कर रहा हूँ, मिनाज पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मिनाज ऐसे ऐसे वक्त पे ना वो गंगाधर बन जाता है। ये भाई माउथ फ्रेशनर नहीं मिला, वो क्या है हाथ में, गर्मी हो गई भैया। तो गाइस खाना वगैरह खा के सब लोग सारे फ्रेंड्स जो है अपने अपने जगह पे चले गए हॉस्टल में, घर पे जहाँ जाना था। हम लोग आए अभी नमाज़ पढ़ने, मैं और मिनहाज ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम लोग भी जाते हैं रूम पे। मेरा कल का एंट्रेंस था वो तो चला ही है, मेरे पैसे भी डूब गए फॉर्म के, ये बहुत गलत किया एमयू वालों ने, एक एक रुपए कमाने में बड़ा एफर्ट लगता है मुझे, मुझे क्या जो भी कमाता उसको पता होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे दाढ़ी के पीछे छिपा हुआ रहस्य, शैतानी दिमाग है इसका, गुटखा खा रहा है।